तो लड़किया तो लड़किया के तो चाचा लागो तो लखा खास मतलब चाचा लगी तो चाचा के साथ उ भाग लोकरा शर्म ना लागल लड़की नहीं लागल शर्म तब नु मातारी भी बात करावत लसिया हां आ लड़का से हमरा मातारी बात करावत लसिया डरे जे कोनो ओकरो एथी पकड़ ले बिया त ओही डरे जे हमार लड़का लड़का लेकर अखन भागल लड़की लेकर भागल बड़ी लड़की लेकर भागल बड़ी लड़की के एथिले फेर कहले भाई अबो से बात मान चल चल घरे बाकी लौटल लगे कहले भी कि हम जान निकाल देबे उनका घर में काम कई तबे से लड़का हमारे बिगड़ गए हाँ लेबर के काम करते रहे लेबर का काम यही बेरा करे कौन उनका लगे पैसा कौड़ी नहीं कहीं कहीं असालतन ले हम लड़की के घर पे उपस्थित हैं जो कि नोनिया टोला ऊंचिया गांव थाना के अंतर्गत श्यामपुर नोनिया टोला में उपस्थित है। लड़के के घर जो है काफी गरीब घर के मतलब इनकी स्थिति ऐसी है कि मतलब लेबर का काम करके कैसे भी गुजर यापन होता है और उसी परिवार पे ये आरोप लगा है कि ये लोग लड़की भगाने में मतलब अपने बेटे का सहयोग किए हैं। सहयोग नहीं खा भाई वह लेकर भागल बड़ी लड़किया भागल हाँ लड़की लेकर भागल बड़ी उनका लौटल ही बड़े तब उ नहीं खिलौट कहले बड़े ना लौट भले मैंने जान निकाल देबे कि हम ला लौट इतनो ले कहले बड़े कि पैसा हमरा लगे नहीं खा तो चल हमरा लगे बाटे तो कहाँ भागल रखल अभी अभी भी कुचाकर से धैले बलो गाड़ी पुना गौ गेलो पुने से लौट बुलौले बने तो हम डरे अपना मजबूरी बस हम चारू जान लो जोहत नहीं खेलो बाकी हम चारू अपना देश दुनिया सारी नंबर छीट दिल रही हाँ के जाए वाला सवारी हमारे घर नहीं खे मालिक बनी तो बेमारे बनी तब से पता लगे पुना का और तो भगवे की जे उनका के जैमे की टिकट करा देवे के चलिए जहाज के जहाज के भले पैसा लगी तो कह भाई लड़की हमारा हवाले चाहे लड़की चलिए हुए हम लिया के हवाले कर दिल थाना में हवाले कर दिल तो लड़किया तो लड़किया के तो चाचा लगा तो लगा खास मतलब चाचा लगी तो चाचा के साथ भाग लोकर शर्म ना लगल लड़की लागल शर्म तब न मातारी भी बात करावत लसिया हाँ लड़का से हमारा मातारी बात करावत लसिया डरे जे कोनो ओकरो एथी पकड़ ले बिया त ओही डरे जे हमार कहानी हमरा मालिक से ना कही इतने के चलते ई काम बिगड़ल बा एतना जी सारा लड़की बतावत रहे हमरा से जे माई हमारा से बात करावत रही है लड़किया के माई बात करावत रही है बात करावत रही है तो लड़किया के ई शर्म ना लगत कि हमार चाचा लगेला चाचा के साथ भाग गइली तो उ मादारी के डाटे के चाही ओकर घर सब जानत रह सब है जानत है कहत रहे कि जा हम सब के जानेला हम बतियाई ले त रोगा घर में क्यों को पता लगे ना कि लड़का और बात कर ला हाँ हमरा मालूम रहला ये बात कर रहला कि भतीजी से अपना बतिया हाँ हम मैं भालू उनका मातारी से एक दुवाली कहला हूँ बनी तो रो मना ना कोनी कि ये से ना करे से ना बतियो से लड़का रो घर हाँ एक दिन घरे आली तो उनका कबाड़ी मार मरले बनी ऐसे गल बड़ी तो उनका मातारी मर ले बड़ी उनका मातारी के पास कने का तबे न बाबू जी विदेश बाहर कर विदेश बाहर लड़किया के नाम का पड़ी अनु नाम अनु नाम ओकर बाप के संजय सर तो एक बाद जैसे लड़की अगर मान ली कि आगे चल के बदल जाओ तब 16 साल तो उम्र बाबू नाबालिग के बियाह तो बाबू अब कौन हमसे के हाथ में बा अब जान बुझाई तन करे लो हमसे के अब मर से चाहे जीव सन ठीक बा हम लगे बेवत नहीं के जे हमसे के एक आगे तो जहाज से बोले नहीं हो तो जहाज से जहाज इतना गरीब बनिया जहाज से बोले नहीं हो सात रुपया ब्याज पर हम काट के कौना मजबूरी में हम वहाँ लोग दिले बानी कि हमने ऊपर मैंने कौन अथी ना हो को बाकी अब जे बुझे जे पैसा वाला बाकी गरीब बा हम केव लान खा वाले कह दिले बानी एक आगे अब हमरा लगे बे तो नहीं थे जी तो प्रशासन से क्या कहे चाहते हैं जी प्रशासन बा जिला प्रशासन से कान निवेदन करे चाहते हैं अब कान निवेदन करे कहते नहीं सहयोग जरा करे के से करिए नहीं तो हम सबके भीतर न ले जाइए उसका थाना लोग मदद करते कि ना अभी अभी तो का हम जाए जानते नहीं केहू के लगे ना गई नहीं ना वही तो लड़के रोगा घर पहुँच भाग के रहल से ये मैंने दो तीन दिन बाद ना ऐसे मैंने बाहर बाहर आए रहे लोग तब वहाँ हम भेट लेने तुम का कमर ले बनी हम तो ई उनकर बाप बाहर रहते हैं ये सब ये गुल छारा उठा उतरा सब सब ये होता रहा हाँ का नाम पड़ी रहे तो नहीं अपना नाम बताएं आरोप लगा जाता है लड़की का तो कुछ कह सकता लोग कुछ कह सकता लोग लड़के के दोस्त क्यों नहीं
तो पुलिस तो काफी लोग परेशान करते हुए पुलिस पुलिस आके हम हालत देख के चल गए लोग गरीब बानी गरीब बानी आ तबियत खराब वाले आप प्राण छूट जाए तो हम दूसरी और हो जाए ना उठा लो हमरा हम रही ले कह जाए लेना तो नहीं मटे हमार हरि के संसार हरि हरि के संसार लड़की के बाबूजी के हर संजय शर्मा जी तो रउआ लड़का पे आरोप लगावल जाता कहीं ना कहीं कि फोटो एगो खींच लख आ जबरदस्ती गलती बात है वायरल करत लगा हमेशा धमकी देते लड़की के सब गलती बात लड़की के धमकी देते लग कि जैसे हमारे साथ ना शादी करबू तो हम फोटो वायरल कर देव आ एक दिन का लड़की गई रहे कहीं सोच करे तो लड़की का भरण कर ले कुछ ना गलती बात सब गलती बात चाची तुम बताई रउआ तो हम सब उतना बेवा तो नहीं जम से कुछ कर लड़का पर आरोप लगा होता कि लड़की के लेकर भागल लड़का लेकर अखन भागल लड़की लेकर भागल बड़ी लड़की लेकर भागल बड़ी लड़की के अथी ले फेरे कहले भाई अबो से बात मान चल चल घर बाकी लौटल लैके कहले भी कि हम जान निकाल देबे कि तारा घर हम ना जाए हाँ घर न जाए तो हम एने कर जाए नहीं तो हम जान देख मर जाए हाँ लड़की कहले भी लड़का हमार बगल जो लौटल है जे तू लौट चले जिसे अबो से कुछ बिगड़ल नहीं है तब नहीं खी लौटल हाँ लड़की तरह खास पटदार है खास पटदार है तो घर पहले आ जाते ना पहले ना आ जाते गाँव में रहनी होता ऐसे है चूंकि रहा आ जाते रह लोग उनका घर में काम कैल तबे से लड़का हमारे बिगड़ गए हाँ घर कौन काम कैल लेबर के काम करते रहें लेबर के काम यू बेरा करे कौन उनका लगे पैसा कौड़ी नहीं है कहीं कहीं आ सालतन ले कर रह जाइए से बात नहीं है एगो फोटो को गंदा फोटो लड़की घींच ले रहे हैं वायरल कर दे भागो हमारे साथ मोबाइल ना हम चला ना हम जानते नहीं हाँ अच्छा जी ये बात बताइए जैसे कि घर कहते कहो कि लड़का मतलब नशेड़ी है गजेड़ी है जान बुझ के लेके भागल बा ना ये कुली बात नहीं है तो जैसे भाई बहन के रिश्ता तो भाई भतीजी लगी भतीजी लगी भागल बड़ी लगे हाँ इतना ले हम पूछे कि जे भागल बड़ी तू भागल बड़ी तो हम भागा के लिए बनी लड़की कहता रही भेट में लड़की उम्र 15 साल बताओ जाता 16 साल बा हाँ वो बताती है 16 साल हाँ नाबालिका में भी तो राव लड़का अभी कहाँ बड़ा अभी कुछ जानकारी पा ना कुछ जानकारी नहीं है तो ये घर आप लोग देख सकते हैं टाट मुज के घर में रहने वाले ये लोग हैं और कहीं ना कहीं जो लड़की है वो अपने चाचा के साथ भाग जाती है और जो आरोप है वो लड़के पे लगता है और गांव के जैसे कि लोग भी बता रहे हैं कि प्यार मोहब्बत था इसीलिए लड़की उसके साथ चली गई तो जैसे कि FIR में हुआ है कि अपहरण कर लिया है अगवा करके लड़की को दिन दहाड़े लेके भाग गया है ऐसा FIR में लिखा गया है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये एक गरीब परिवार है और सभी लोग यही कह रहे हैं कि जो लड़की है वो खुद मतलब उस लड़के के साथ भागी है आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय और रखिए अपना खूब सारा ख्याल नमस्कार जय हिंद।